औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं मूली का पराठा। बहुत सारे पराठे आपने खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं पराठा बनाने लगी हूँ वो तो कमाल का होगा, गजब का होगा। देखिए, वैसे तो मैं मूलियों को भून के भी बनाती हूँ पराठा, घर वालों को ज़्यादा वही पसंद है, मूलियों को भून के पकाने वाला पराठा अम्मी को, लेकिन मुझे ज़रा ना ये कच्ची मूलियों का पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। ना आके दिखाती हूँ, तो आप देखें अभी मैं आपको कैसे बनाती हूँ। ये देखें, मूली का पराठा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हमें चाहिए मूलियाँ क्रश की हुई, ये देखो मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर ली है मूलियाँ। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा प्याज ऐड करूँगी, थोड़ा सा लहसुन ऐड करूँगी, हरा धनिया डालूँगी और हरी मिर्चें डालूँगी, थोड़ा सा नींबू का रस डालूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी, रेड चिल्ली डालूँगी, गरम मसाला डालूँगी। उसके बाद ये मैं अजवाइन डालूँगी, सूखा धनिया, ये दादर मिर्च और ये चाट मसाला और थोड़ा सा जीरा। इन सब स्पाइसेस को मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, तो इनको मैं ऐड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, एक ट्रे में हमने मूलियाँ ऐड कर ली हैं। अब हम इसमें ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे ना, ये सारे हम इसमें अंदर ऐड कर देंगे। ये एक पराठे का मैं अमेज़ा तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए एक पराठे के लिए, अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकें। इसके बाद हम ये वाले सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन और प्याज है। देखें जी, सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए और उनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाने हैं आटे के दो छोटे छोटे से पेड़े बनाने।